रखिएगा, सड़क के पत्थर कभी आपका रास्ता नहीं रोके, लेकिन एक छोटा सा कंकड़ आपके जूते में चला गया ना, चलने नहीं देगा। रोम की सभ्यता फैली थी और ये धीरे 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 समस्त पूरे यूरोप पर अपना प्रभाव डाल दी। कौन सी सभ्यता? रोम की सभ्यता। ये बहुत ही तेज विकसित की गई थी रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता किस महाद्वीप में? रोम की सभ्यता रोम कहाँ है? इटली। रोम वर्तमान रोम कहाँ है? इटली। लेकिन उस समय पूरा ये साम्राज्य क्या था? रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता को दो राजाओं ने सबसे ज्यादा आगे बढ़ाया, जूलियस सीजर और अगस्टस। जूलियस सीजर और अगस्टस रोम के सभ्यता के दो प्रमुख राजा, जूलियस सीजर और अगस्टस। यूरोपियन पादरी पोप ग्रेगोरी जब 1600 ईस्वी में एक कैलेंडर बना रहे थे, जिसे हम लोग आज फॉलो करते हैं, हम लोग जिस कैलेंडर को आज फॉलो करते हैं ना, जिस कैलेंडर के हिसाब से मई का महीना, जून का महीना अपनी तारीख देखते हैं और हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, वो कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर को जब पोप ग्रेगोरी सन 1600 ईस्वी में बना रहे थे, तो उन्होंने दो महीने का नाम राजाओं के नाम पर रखा, जूलियस सीजर के नाम पर जुलाई, अगस्तस के नाम पर अगस्त। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये दो किसका नाम है? राजा का नाम है, जूलियस सीजर और अगस्तस। अगस्तस बहुत खतरनाक राजा था, सोचो मरवाइए देता था सबको। अगस्तस के समय बहुत सारा चीजें का विकास हुआ था। अगस्तस बहुत खतरनाक राजा था। जूलियस सीजर भी बहुत योग्य शासक था, लेकिन जूलियस सीजर के समय लोकतंत्र भी थे और उसके मंत्रिमंडल ने, जब वो बैठक ले रहा था अपनी मंत्रियों की राजा के गद्दी पर, तो सारे मंत्री क्या किए, सो चाकू लिए सब और जूलियस सीजर को गद्दी पे मार दिया, सब कुर्सी पे बैठ के मारा था जूलियस सीजर। अब मारा सब उसको, जगह जगह घूम के उसको मुरब्बा कैसे बनाया जाता है बेचारा, जूलियस सीजर को क्या बना दिया सर? मुरब्बा बना दिया सर। मर गया जूलियस सीजर, और जूलियस सीजर को उसका सबसे करीबी ने मारा था वहां पर, तो वही कहा जाता है घर का भेदी लंका डर। रावण को भी तो उसी का आदमी मरवा दिया था, बीबी सर। तो ये हमेशा याद रखिएगा, सड़क के पत्थर कभी आपका रास्ता नहीं रोके, लेकिन एक छोटा सा कंकड़ आपके जूते में चला गया ना, चलने नहीं देगा। ये सबसे बड़ी समस्या। तो बताइए, रोम की सभ्यता का दो राजा, जूलियस सीजर और अगस्त। सर तो क्या उन लोगों को सजा हुआ? या राजा ही मरा गया, अब बाकी वो सब अपने मन पसंद राजा बना लिए सब, सजा कौन होगा? लंका ढह गया, लंकाओं का सब ढह गया। तो लंका तो बहुत पुरानी कहानी हो, ऐतिहासिक से भी पहले, फिर ढह गया श्रीलंका, ढह गया इस बार। इस बार कौन ढह गया? श्रीलंका। खानदानी राज करेगा लोग श्रीलंका, चोर सब नहीं समझे। हम हमेशा आपको कहते हैं कि ये सब देख के कभी चुनाव कीजिएगा लोग तो चल जाएगा। जाति देख कर क्या चुना जाता है? जी जा, नेता नहीं। लेकिन आप लोग जाति देख के क्या चुन लेते हैं? अब जीजा वाला कांड किए तो जीजा से कोई काम करा सकता है? नहीं करा सकते। देख रहे हैं पटना में भिकना पहाड़िए खोद दिया, कोचिंगवा समनवा खोद दिया, रात भर बहुत है उसको खोद के करने के लिए। यहाँ पर बुद्धि रहे तब तो, वुडको एक संस्था यहाँ पे वही खोदती है, मतलब पूरी इंडिया का जितना भगचुनर इंजीनियर आएगा ना वुडको में चल जाएगा। मतलब जो तनिको पास नहीं हो के पता नहीं है कि बीटेक में पैरासीटामॉल को पढ़ा जाता है कि इंजीनियरिंग पढ़ा जाता है, वो चल जाएगा इसी में। पूरा मार के चौपट करके रखा है, 12 वो गली रहेगा ना, 12 वो खोद देगा। डेली दुर्घटना हो रही है यहाँ पर, कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। बिहार में ना अगर सुधारना है ना, तो कम से कम यहाँ पे इमरजेंसी जैसा सिचुएशन लगाना पड़ेगा। इमरजेंसी लगा के 2 साल छोड़ दिया, पुलिस के जगह मिलिट्री वाला आएगा सब ना, सब बुडको टुटको को मार के सीधा कर देगा। उसका गाड़ी फंस गया ना, तो ट्रैफिक पुलिस को नहीं बुलाएगा, कौन खोदा है रे? चाहे एक बार इधर से पुतिन को गुजार दिया जाए तो फिर नया नगर निगम बनाना पड़ेगा। पुतिन एक बार इधर से चला गया ना, काम खत्म कर देगा। मतलब दुनिया का, भारत का नहीं, दुनिया का सबसे मतलब इनकॉम्पिटेंट नगर निगम है पटना का। सीखता है अभी कैसे करना चाहिए, सीख रहा है अभी। अच्छा, इसे सड़क भी होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। पटना के अब देखिएगा,
सड़कें जो है ना उस सड़कों पे तो इधर बिजली का जो खंभा लगना चाहिए सड़क के किनारे लगना चाहिए ना, तो सोचो 4 फीट सड़किया में घुसा के लगा देता है हमेशा ही नौटंकी करता है। इससे अच्छा तो सिंधु सभ्यता वाला थे सब नहीं दाजी, ओकरा से अच्छा भीमबेटका का था, आदिमानव थे सब तो क्या हुआ, लेकिन इन सबसे क्या थे ठीक ठाक थे सब।